वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द मैथ स्पेशल क्लास। मैथ स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीयू की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, डिस्काउंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है डिस्काउंट का पार्ट 9। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 8 तक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ और टोटल अभी तक 80 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ डिस्काउंट टॉपिक से। तो जो लोग नहीं देखे हैं, इस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, डिस्काउंट टॉपिक्स का फोल्डर बना होगा, वहां से आप कुछ पार्ट कुछ 8 लेक्चर्स देख सकते हैं। आफ्टर डेट आप लेक्चर 9 पे मूव कीजिएगा। इस टॉपिक से टोटल मैं 160 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक के वीडियो सोल्यूशन। देखिए, जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो मेरे सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, अपने यूट्यूब ऐप्स को ओपन कीजिए अपने मोबाइल में, उसके बाद सर्च कीजिए एसएससी एग्जाम क्रैक, उसके बाद आपको ये लोगो दिखाई देगा। लोगो देख के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में बेल आइकन होगा, इसको प्रेस करके, घंटी को प्रेस करके यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि इसमें आपको सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पे ग्रामर, वोकैब एंड आपको प्रैक्टिस सेशन कराई जाएगी। ठीक है, अभी ग्रामर की सीरीज चल रही है, नाउन की वीडियो मैं आज देने वाला हूँ 8 PM पे। आज आपका नाउन टॉपिक जो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आज आपको एंड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 7 लेक्चर ग्रामर पे प्रोवाइड कर चुका हूँ। और जो लोग मॉर्निंग में इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं, 65 डेज मैथ प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें आपको 1000 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये NTPC, UPSI, BRSI, CGL, CPO के लिए प्रैक्टिस सीरीज है, तो आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं मॉर्निंग के टाइम में। चलिए देखिए, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो लिस्ट किए गए हैं, यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कराए जा चुके हैं 7300+ मैथ सीरीज की, और उनके इतने इतने क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम के इतने 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 क्वेश्चंस और इतने इतने वीडियो में आपको पूरी तरह से कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो अगर आपको पढ़ना है तो इनकी प्लेलिस्ट मैं अरेंज कर चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट कीजिए, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या कहा गया। द सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू द 3 कंजक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 12% एंड 5%। तीन तरह का डिस्काउंट दिया गया, 10% लगातार, 12% एंड 5%। तो देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर 1% का डिस्काउंट हो और 20% का हो तो ओवरऑल सिंगल डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, इस तरह से a+b - ab/100 ओवरऑल परसेंट डिस्काउंट। तो सबसे पहले ये चीज हम इन दो पे अप्लाई करेंगे, तो देखो 10 और प्लस 12 22 माइनस 10 इंटू 12 अपॉन क्या 100, यानी 22 माइनस 100 से 10 कैंसिल, यानी 1.2। अब मैं देखिए कैसे माइनस करता हूं, 22 में से मैं डायरेक्टली 1 नहीं घटा करके 2 घटाता हूं, तो कितना हो गया 20, और 10 में से 2 गया कितना हो गया 8, यानी 20.8 ये आया आपका। ठीक है, 20.8 ये आया। अब देखिए, ये आया ओवरऑल इन दोनों का परसेंट। अब इस 28.8% और इसको इधर लेके आए 5%, अब इन दोनों पे अप्लाई करेंगे इस वाले फॉर्मूले से। तो देखो 20.8 मैं लिख देता हूँ एक बार, 20.8 प्लस 5 माइनस 20.8 इंटू 5 अपॉन क्या 100। अब देखिए ये कितना हो गया, 20.8 प्लस 5, 20 प्लस 5 25.8 माइनस, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 5 40 और 20 5 100 और 100 और कितना हो गया 104, यानी 104 अपॉन 100 हो जाएगा, यानी 25.8 माइनस ये कितना हो जाएगा 1.04। ये करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो मैं कैसे माइनस कर रहा हूँ, 25.80 में से 1.04 माइनस कर रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो जाएगा 24.76। ओवरऑल कितना परसेंटेज आ गया, 24.76। कौन सा आंसर मैच कर गया, सी इज द राइट आंसर। तो ये था फॉर्मूला अप्रोच। अगर आपको रेशियो मेथड से जाना है तो रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो रेशियो मेथड से कैसे करोगे, पहले 10% का डिस्काउंट, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 10 का डिस्काउंट, 10 पे 1 का डिस्काउंट MPSP लिखूं, यानी 10 से क्या हो गया 9। दूसरे केस में 12%, 12% का मतलब 12/100, 4 से मैं काटूं तो 3/25, यानी 25 यूनिट है उस पर 3 का डिस्काउंट, यानी 22 में बेचा गया। 5% का मतलब कितना होता है 1/20, यानी 20 यूनिट का है उस पर 1 यूनिट का डिस्काउंट, यानी बेचा गया कितने में 19 यूनिट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि सामने सामने ये कैंसिल नहीं हो सकते, लेकिन क्रॉस एक दूसरे के कैंसिल हो सकते हैं। 2 से काटूँ तो 10 और 2 से काटूँ तो 11। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 25 दाम में 250 इंटू 10 कितना हो गया 2500। अब इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो
19 इंटू 9 171, और 171 में 11 का मल्टीप्लाई करना बता चुका हूँ, 1 7 1 8, 7 1 8 और ये 1, यानी कितना आ गया 1881, 1881। अब खुद सोचो, ये आया आपका मार्क प्राइस, ये आया आपका सेलिंग प्राइस, कितना का डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट एमपी माइनस एसपी 2500 में से मैं क्या करने जा रहा हूँ, 1881 माइनस कर रहा हूँ तो 9 1, और ये कितना बचा 6, 619 का डिस्काउंट मिला। हमें डिस्काउंट परसेंट चाहिए, डिस्काउंट परसेंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, परसेंटेज में करने के लिए 100। अब देखो 20 से 20 कैंसिल, अब देखो हमारे पास 619 अपॉन 25% आया ओवरऑल। अब कभी भी हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, 25 इंटू 2, दो पहला नंबर 2 होना चाहिए, पहला नंबर देखो 3 है नहीं हो सकता, पहला नंबर 3 है नहीं हो सकता, पहला नंबर 3 है नहीं हो सकता, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो पहला नंबर उसका क्या है, फर्स्ट नंबर 2 से स्टार्ट है, ये सोल्व करोगे तो 24.76 आएगा, लेकिन हमें एग्जाम में सिर्फ ये करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया 82, देखिए क्या कहा गया, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट 35% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द सर्टेन बिल वाज इतना। देखो दो तरह का डिस्काउंट दिया गया, एक डिस्काउंट है 35% और दूसरा डिस्काउंट है दो सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और दूसरा भी 20%, क्योंकि कहा गया है टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी दो बार, एक बार 20 उसके लगातार दूसरी बार 20, तो कहा गया, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 22, तो द अमाउंट ऑफ बिल वाज, तो देखो पहले इन दोनों को कंबाइंड फॉर्मूला से निकालें, तो 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100, ये कितना हो गया 40 माइनस 4 यानी 36%। अब खुद सोचो, एक डिस्काउंट है 35% और ओवरऑल दूसरा डिस्काउंट है 16%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 1%, और 1% की वैल्यू कितनी दी गई है 22, तो बिल अमाउंट अपने आप में क्या होगा 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2200 रुपये। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इतना आसान था, आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। देखिए 83 क्वेश्चन क्या कहा गया है, द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच इज 1600, यानी कोई भी मार्क प्राइस कितना है उस वॉच का 1600। आगे बढ़े, द शॉपकीपर गिव्स सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, पहला डिस्काउंट दिया गया है 10%, 10% क्या हो जाएगा 1/10, यानी मल्टीप्लाई कर दो 160 यूनिट का डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट देन एंड दूसरा डिस्काउंट एक्स परसेंट टू द कस्टमर। अगर मैं 160 का डिस्काउंट दूंगा, 1600 में से 160 घटाओ, तो मैं ऐसे घटाता हूँ, 1600 में पहले 100 घटा दूँ 1500, 1500 में 60 घटा दूँ तो कितना हो गया 1440। अब 1440 दूसरा डिस्काउंट क्या दिया गया है कि एक्स परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है, और कस्टमर पे कितना कर रहा है 1224, तो यहीं एक्स परसेंट निकालना है कि डिस्काउंट कितना दिया गया। तो मैं पहले डिस्काउंट निकाल लूँ कितना दिया, तो डिस्काउंट 1440 माइनस 1224। अब देखो मैं 1440, 1400 में मैं 1200 घटाऊंगा तो 240 में से 24 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 16, यानी 216 आ जाएगा आपका, चलो 216 आ गया। मैंने क्या किया, 1400 में 1200 घटाया तो 240 में 24 घटाया तो 16 216। अपना अपना करने का तरीका है, तो अब डिस्काउंट परसेंट हमें निकाल दें, तो डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अपॉन किस पे मिला 1440 पे, परसेंटेज में करने के लिए 100। अब देखिए ये कैंसिल, अब मैं क्या करूं, 5 से काटूं तो 2, 5 से काट लूं या 2 से काट लूं, 2 से 5 और ये कितना हो गया 72, और 72 ये तीन बार में चला गया क्योंकि 72 इंटू 3 होता है आपको 216, ठीक है, तो कितना हो गया 15% का डिस्काउंट मिला, और यानी यही है x परसेंट की वैल्यू क्या है 15%, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 15, यही चीज़ है कहा गया, तो वहीं 15% आंसर आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट ही तो निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 84, द सिंगल डिस्काउंट ऑफ है इतना इतना एंड इतना, देखो 20% 20% और 10%। अब मैं देखो कितना फास्ट आपको कराऊंगा, एक बार बता दें, ए प्लस बी माइनस ए बी वाई 100 होता है ना ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट, इन दोनों को सोल्व करूंगा, तो देखो 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, 40 माइनस 20 इंटू 20 400 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया 4, यानी ये कितना आ गया 36%। अब इसको ले लूँ 10%, अब इन दोनों को मैं करूं इस वाले फॉर्मूले से, तो देखो 36 और 10 कितना हो गया 46 माइनस 36 इंटू 10 अपॉन 100, तो कितना हो गया 46 माइनस
3.6। अब मैं कैसे घटाता हूँ, 46 में 4 घटा लो 42, और 10 में से 6 कम कर लो कितना हो गया 4, तो 42.4%। देखो मैंने कैसे घटाया, 46 में 3.6 घटाना है तो मैं कैसा करता हूँ, 4 घटा लो, एक बढ़ा करके घटा लो कितना हो गया 42, और 10 में से 6 घटा लो तो कितना हो गया 4, 42.4। अपने अपने अकॉर्डिंग करने का तरीका है, आप घटा सकते हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे, देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या दिया गया है। 85 क्वेश्चन कहा गया है आपसे कि एक्स परचेज एन आइटम्स एट 10% डिस्काउंट एंड सोल्ड टू वाई 10% प्रॉफिट, द मार्क प्राइज एंड द प्राइज विच फॉर विच वाई परचेज आइटम्स इन द रेशियो इज। देखिए क्या कहा गया है कि जो एक्स है कोई पर्सन है वो परचेज कर रहा है एन आइटम्स 10% डिस्काउंट। अब खुद सोचो, मार्क प्राइस अगर मैं 100 मानता हूं तो 10% का डिस्काउंट दिया गया, 10 यूनिट का डिस्काउंट, यानी कितने में मिला, 90 में। और ये 90 क्या है, एक्स पर्सन है, क्योंकि एक्स क्या कर रहा है, परचेज खरीदने वाला था। अब आगे बढ़ता है, अब ये बेच रहा है वाई पर्सन को, एक्स जो पर्सन है ये बेच रहा है वाई पर्सन को, और कितने में, 10% का प्रॉफिट पे, 10% का प्रॉफिट पे, तो 90 का 10%, लो जी 9 के प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी कितने में बेच रहा है, 99 में बेच रहा है। तो आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है, द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस है कितना 100 अपॉन द प्राइस एट विच वाई परचेज, वाई कितने में खरीद रहा है भाई, 99 में। इन दोनों का रेशियो निकालना था, यही रेशियो हो जाएगा, कौन सा आंसर मैच कर गया, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या दिया गया है, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू इतना इतना एंड इतना। देखो 20%, 10% और 5% का सिंगल डिस्काउंट, मैं अब फॉर्मूला ये यूज कर रहा हूँ, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 वाले पे, परसेंटेज डिस्काउंट यही होता है। अब देखो 20 प्लस, इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, तो 20 प्लस 10 30, 30 माइनस 20 इंटू 10 200, 200 डिवाइडेड बाई 100 2, यानी कितना हो गया 28%। अब इस 28% और 5% को एक साथ मिक्स करूं तो 28 और 5 ए प्लस बी होता है, तो 8 5 13 33 माइनस 28 इंटू 5, चलो एक बार लिख ही देता हूँ, 28 इंटू 5 बाई 100, यानी 33 माइनस 8 5 40 अपन 140 अपॉन 100, यानी 33 माइनस 1.4। अब मैं कैसे घटाऊंगा, 33 में 2 घटा लो तो कितना हो गया 31 पॉइंट, 10 में से 4 घटा लो 6, यानी 31.6%, कौन सा आंसर मैच कर गया, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 87 पे आते हैं, देखो 87 क्या कहा जा रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट पी परसेंट एंड क्यू परसेंट ऑन द कैटेगरी ओवरऑल सिंगल डिस्काउंट, पी परसेंट डिस्काउंट है एट क्यू परसेंट डिस्काउंट है, तो फॉर्मूला पी प्लस क्यू माइनस पी इंटू क्यू अपॉन 100, यही तो होता है ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट का, तो कौन सा हो जाएगा, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू बाई 100, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, इन ए शॉप शर्ट्स आर यूजली सोल्ड 40% एबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, कोई शर्ट है जिसका यूजली बेचने वाला प्राइस रखा जा रहा है वो कितना रखा गया है, 40% एबव द कॉस्ट प्राइस ड्यूरिंग ए सेल, सेल के दौरान, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर जब हम इसको बेचने के लिए मैं इस पर टैग डाल रहा हूँ कि इतने का रखूँ, तो 40% ज़्यादा, यानी 100 का 40% 40, यानी मार्कअप कितना हो गया 140। क्यों, क्योंकि जैसे मैं दुकानदार हूँ, मैं क्या करूँगा, मैंने सामान जो भी खरीदा उस पर मैं बढ़ा के दाम लिखूँगा ताकि मैं बेचूँगा तो फायदा, ताकि भी तो डिस्काउंट दूंगा, एंड द शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ यूजुअल सेलिंग प्राइस, इफ द मैनेज टू सेल इतना शर्ट इतना रुपए, देन कॉस्ट प्राइस पर शर्ट। देखो ध्यान से, अब क्या कहा, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 140 का 10% कितना होता है 14, 14 का डिस्काउंट दिया तो बेचेगा कितने में, 140 में पहले 10 घटा लो 130, 130 में 4 कम कर लो तो कितना हो गया 126, यानी ये बेचने वाला प्राइस है। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि भाई कोई जो कस्टमर है ना वो 216 शर्ट बेच रहा है कितने रुपए में, 13608, ये शर्ट है, तो एक शर्ट कितने में बेचेगा, एक शर्ट 13608 अपॉन 216, अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 63 आ जाएगा, यानी एक शर्ट कितने रुपए में बेच रहा है इतना,
और ये तो एक शर्ट, क्यों मैंने एक शर्ट में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें से पूछा गया कॉस्ट प्राइस पर शर्ट, यानी एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो एक शर्ट का ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है कितना यूनिट में, 126, 126 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 63 रुपए के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू 63/126, तो हमें कॉस्ट प्राइस क्या है 100, तो 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे डायरेक्टली, क्यों मैं 100 से मल्टीप्लाई किया। अब एक स्टेप ऐसे नहीं लिखना चाहता हूँ कि 100 यूनिट की वैल्यू 63/126/100, ये यहीं पे कर लो 100। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये दो बार में चला गया, दो से ये कितना है 100, यानी 50% होगा। तो प्रत्येक कीमत की कीमत क्या हो जाएगी, 50 रुपये होगा ना, क्योंकि ये रुपये में है, तो 50 रुपये। एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है 50 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। देखिए 89 क्वेश्चन क्या कहा गया है, इफ ए शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ गुड्स 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 40%, व्हाट इज द गेन और लॉस। देखो ध्यान से, लेट सपोज मार्क प्राइस क्या है 100, इस पे क्या कर रहा है 50% का ज्यादा बढ़ा रहा है, यानी 100 का 50% 50, सॉरी मार्क प्राइस नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गलत मैं पढ़ लिया। देखिए स्टेटमेंट कहा जा रहा है 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस अगर मैं 100 मानता हूं तो 50% ज्यादा, यानी 50 यूनिट। मार्क प्राइस कितना रखा 150, क्योंकि मार्क प्राइस 50% बढ़ाया गया था ना, मार्कअप किया गया था, ठीक है। अब क्या करें, अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 40%। अब डिस्काउंट दे रहा है 40% का, तो 140 का 150 का 40% निकाल लूं, 60 हो गया, 60 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में 90 में। अब बताओ 100 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 90, कितने का लॉस हुआ 10 का, किस पे सीपी पे, परसेंटेज में करने के लिए 100, यानी क्या हो गया 10% का उसको लॉस हो गया। अब 10% का लॉस कौन सा आंसर होगा, गेन तो हो नहीं सकता भाई, लॉस होगा वो भी 10%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। देखिए ए डीलर मार्क्स इज गुड एट 40% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस द डीलर हैज। देखो वही चीज है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 मान लूँ तो मार्क प्राइस 40% बढ़ा दिया गया, यानी मार्कअप कितना 40 रुपये, 100 का 40% 40, यानी 140 हो गया। अब इस पे क्या 20% का डिस्काउंट, 140 का 10% कितना होता है 14, 20% हो जाएगा 28, 28 यूनिट का डिस्काउंट, आप ऐसे निकाल लेना 140 का 20%, 28 यूनिट का डिस्काउंट। अब मैं 140 में 30 घटाता, अब मैं कैसे घटाता हूँ, देखो 140 में मैं 30 घटाया तो कितना हो गया 110, दो मैंने अपने आप एक घटा दिया था ज्यादा, तो मैं कर लूं तो 112, ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है द डीलर हैज कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, क्वेश्चन के ऑप्शन से पता चल रहा है। 100 की चीज है, कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस इतना है, कितने का प्रॉफिट हुआ 12, प्रॉफिट परसेंट सीपी पे 100 करने के लिए, यानी ओवरऑल उसको 12% का क्या मिला, गेन मिला। ऑप्शन डी मैच करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, 81 से 90 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं 90 से 100 तक के क्वेश्चन। देखिए मेरे दो पेड कोर्स हैं, अगर आप जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग कोर्स, जिस कोर्स की फी है 300 रुपीज़, और आप इसको लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हैं। इसमें आपको CGL, CPO, CHSL, MTS सभी एग्जाम कवरअप किया गया है। 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों सेक्शन मिलेगा, PDF नोट्स भी मिलेगा, PDF प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा। और कोर्स क्या है, बाइलिंगुअल, यानी हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेगा। साइंस कोर्स स्पेशल साइंस कोर्स है, जिस कोर्स की फी है 499। इसमें आपको 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एज वेल एज बाइलिंगुअल, ये भी सेशन है हिंदी और इंग्लिश। ये सेशन भी आपको CGL, CPO, CHSL, MTS एग्जाम को कवरअप करेगा, लेकिन जो लोग NTPC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि GK GS मिला करके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके NTPC एग्जाम में, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, जो आप यहाँ से कवरअप कर सकते हो। बात आती है, आप कोर्स के बारे में जान गए, आप पे कैसे करोगे, तो आपके पास चार ऑप्शन मैं दे रखा हूँ। पेटीएम ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा पेटीएम ऐप्स नंबर गी बहन है। गूगल पे ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा गूगल पे ऐप्स नंबर है। अगर आप अकाउंट नंबर फोन पे ऐप्स के थ्रू पे करना चाहते हो, तो यहाँ पे मेरा फोन पे ऐप्स नंबर भी गी बहन है।
अगर आप अकाउंट नंबर के थ्रू पे करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर भी गिवेन है। अब पे करने के बाद आपको कैसे कोर्स मिलेगा, तो आपको पे करने के बाद दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको उसका स्क्रीनशॉट या पिक्स दोनों में से कोई आप सेंड कीजिएगा। आफ्टर डेट मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप एक्सेस करना स्टार्ट कर दोगे। आप चाहते हैं कि अपकमिंग मोर वीडियो इसी तरह से आए, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस टारगेट को लाइक कर सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है, इस वीडियो के कॉमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।